हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ एक और नई जानकारी के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि यदि आपको भी बार बार डकार आती है तो ये किन पांच बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकता है। वैसे तो डकार को आमतौर पर एक साधारण सी प्रक्रिया माना जाता है। लोगों का मानना होता है कि डकार से भोजन हजम होता है। यह प्रक्रिया पेट की गैस बाहर निकालने के लिए की जाती है, जिसे एक प्राकृतिक तरीका माना जाता है। अगर भोजन के समय बार बार डकार आ रही है तो समझ जाइए कि आपने खाने में ज़्यादा हवा जो है वह निकल ली है। जैसे ही खाना खाने के साथ हवा निकलते हैं, वैसे ही डकार के जरिए हवा बाहर निकलती है। अगर भोजन करते समय या बाद में डकार ना आए तो पेट में दर्द और गैस बनने लगती है और ज़्यादा डकार से शरीर में कई तरह की बीमारियाँ पनपने लगती हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों, सबसे पहली बीमारी होती है बदहजमी या कब्ज की। अगर आपको ज़्यादा डकार आती है तो पेट में कब्ज भी हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए आप अपने खाने में इसबगोल और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लें। ज़्यादा डकार आने का मतलब है कि आपका हाजमा ख़राब है और आपको बदहजमी है, जिससे पेट में दर्द भी हो सकता है। दूसरी जो बीमारी होती है वह होती है एरोफेजिया। खाना खाते समय ज़्यादा हवा पेट में निकल जाते हैं और उसके बाद डकारें आने लगती है, जिसे कि हम एरोजोफेजिया जो होता है वह कहते हैं। खाना खाते समय हवा पेट में चले जाने से अक्सर एरोजोफेविया की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर आपको एरोफेजिया की समस्या से बचना है तो भोजन करते समय छोटे निवाले लें, खाना खाते समय मुँह बंद करके खाना खाएं और धीरे धीरे खाने को चबाकर निकलें। तीसरी जो बीमारी हो जाती है, समस्या होती है, वह होती है गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़। इस बीमारी में आंतों में जलन होने लगती है और फूड पाइप में एसिड बनने लगता है। गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ से बचाव के लिए खानपान और जीवन शैली में कई सकारात्मक और स्वस्थ बदलाव करने बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ या सीने में तेज़ जलन के कारण भी ज़्यादा डकारें आती हैं। चौथी जो बीमारी होती है वह होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रोग का एक बड़ा लक्षण बहुत ज़्यादा डकार आना भी होता है, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया है। इस समस्या के अलावा पेप्टिक अल्सर के कारण भी ज़्यादा डकारें आ सकती हैं। जब आपके पाचन तंत्र को पेट की गैस से और एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से नुकसान पहुंचता है तो डकारें आने लगती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने पर रोगी को पेट में दर्द, मरोग, दस्त, कब्ज आदि की समस्या हो सकती है। और जो पांचवी समस्या होती है वह होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन कई समस्याओं का कारण होता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि लगभग 65% मामलों में फूड में बड़ा बदलाव या तनाव का बढ़ना ज़्यादा डकार आने का कारण बनता है। डिप्रेशन से हमारे पेट पर असर पड़ता है, जो कि इस तरह की बीमारियों को हमारे सामने लाकर खड़ा करता है। तो दोस्तों, यदि आपको भी ज़्यादा डकारें आती हैं, खाना खाने के बाद काफ़ी आपको दिक्कत होती है इन डकारों की वजह से, तो आप समझिए कि आपको इन पांच तरह की समस्याएं जो हैं वह हो सकती हैं।